हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस वन। हम लोग कर रहे हैं मूवमेंट एरिया मेथड फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ऐसा केस देखा था जो कि सिमेट्रिकल बीम है। मतलब कि अगर हमें ऐसा कोई बीम मिलता है जहाँ पर लोड लगा है L/2 L/2, मतलब सिमेट्रिकल बीम है, बोथ साइड सेम डिस्टेंस है। यहाँ पर भी अगर UDL एंटायर बीम पे मिलता है तो उसका पॉइंट लोड कन्वर्ट करने से लोड सेंटर पे आ जाता है L/2 L/2 डिस्टेंस पे। ऐसा केस मिला तो आप इस मेथड के मदद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन आराम से। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो जाके देख लीजिए पहले। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आप जाके इसको दे सकते हैं। लेकिन आपकी बार हमें ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कि अनसिमेट्रिकल बीम है। इस साइड 4 मीटर है, इस साइड 2 मीटर है और जो लोड लगा है वो है 30 किलो न्यूटन का। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना और एम अपॉन ईआर डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 आएगा, एट बी 0 आएगा, क्योंकि एट सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0। जो इसको हम नाम देते थे पॉइंट सी, पॉइंट सी पे एक वैल्यू आएगी। पहली बात तो वो पॉजिटिव में होगी, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कितनी आएगी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले हमें रिएक्शन एट बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए लेंगे। तो आर बी ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है 4+2 6 माइनस 30, 30 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, 30 का डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आर बी हमें मिल जाएगा x इंटू 6 माइनस 30 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आर बी का वैल्यू मिलेगा हमें 10। ठीक है, आर बी मिल गया हमें 10। अभी हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट सी मतलब आर बी इंटू 4, आर बी इंटू 4, आर बी की वैल्यू कितनी है 10, 10 इंटू 4 मतलब 40। तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया 40। ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट एट सी हमें मिल गया 40। अब हमारा काम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट अपॉन ई आई डायग्राम बनाना है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ई आई की वैल्यू नहीं दी है, तो सेम डायग्राम हमारा बेंडिंग मोमेंट अपॉन ई आई बनेगा। तो मैं यहीं पर इसको अपॉन ई आई कर देता हूँ, क्योंकि ये जगह मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी बाद में आगे काम करने के लिए। इतना तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें इसका स्लोप एट बी फाइंड करना है, स्लोप एट ए फाइंड करना है और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर होगा, मैं इस डायग्राम का इलास्टिक कर्व बनाऊंगा। ठीक है, इस डायग्राम का अगर हम लोग इलास्टिक कर्व बनाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये जो 4 मीटर का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये लेंथ 4 मीटर यहाँ पर इस साइड में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगी। मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा बिटवीन सी एंड बी, सी एंड बी के बीच में ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा ना। इसको हम लोग एक्स डिस्टेंस दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्स डिस्टेंस दे देते हैं। ये नीचे इस तरीके से आएगा, ये है हमारा ए, ये है बी। सबसे पहले काम हमारा क्या है, अगर हमें फाइंड करना है स्लोप एट बी, स्लोप एट बी फाइंड करना है तो हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा बी से, बी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये टेंजेंट हम लोग बी से ड्रॉ करेंगे। तो ये ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको नाम देते हैं हम लोग टी ए बी, इसका नाम है टी ए बी। तो ये टी ए बी क्या है, पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए टी ए बी क्या है, टी ए बी इक्वल्स टू इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस एट बी एंड द टेंजेंट drawn
एट ए बी क्या है, इज द वर्टिकल डिस्टेंस एट ए एंड टेंजेंट ड्रॉन एट बी, ठीक है ना, टेंजेंट बी पे ड्रॉ किया है और वर्टिकल डिस्टेंस एट ए पे है, ये है हमारा टी ए बी। टी ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका हमें आई ए बी निकालना है। आई ए बी क्या होता है, मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई आर डायग्राम, ये हमारा एम अपॉन ई आर डायग्राम है, एम अपॉन ई आर डायग्राम, इसी को मैंने एम अपॉन ई आर डायग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि ये की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई आर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है हमें। अब वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, कम थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें ज्यादा। इस तरीके से ट्रायंगल है, यहाँ पर डिस्टेंस है 40, ठीक है, ये नाम है ए, ये है बी और इसको दे देते हैं सी, ये नाम है सी। हमें निकालना है टी ए बी, जो ये टी ए बी है वो क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस एट ए, वर्टिकल डिस्टेंस एट ए एंड टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम बी। तो ये कैसे निकलेगा, ये किससे निकलेगा, मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई आर डायग्राम बिटवीन ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मोमेंट क्या होता है, एरिया इंटू सीजी का डिस्टेंस। हमें ए से मोमेंट लेना है इस डायग्राम का, सबसे पहले इसको हम लोग सीजी इसका निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका सीजी आएगा, तो ये इसका सीजी कहाँ पर एक्ट करेगा, इस साइड होता है हमारा 2/3 L, है ना, और यहाँ पर होगा 1/3 L, वैसे ही यहाँ पर 2/3 L और यहाँ पर 1/3 L। तो इसको थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, तो ये डिस्टेंस हम लोग लिख देंगे कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक L कितना है, 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं, यहाँ पर 2/3 L है, टू बाई थ्री एल कितना है, 4 मीटर है, तो ये हो गया 2.67 इतना, और ये 1/3 L, 1/3 L मतलब 1.33, 1.33, अब इस साइड 1/3 L कितना है, 2, ये हो गया 0.67, अब इस साइड है 2/3 L कितना है, 2, ये हो गया 1.33, इस तरीके से है। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी ए बी, टी ए बी क्या बोला था हमने, ये हमारा ए है, ये बी है, अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगेगा और यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगेगा, इसका लोड कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट 40 है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 4 मीटर, इंटू हाइट कितना है 40, तो ये कितना होगा 1/2 × 4 × 40 = 80, हाफ इंटू 4 × 40 = 80, यहाँ पर लगेगा 80, और इसका लोड कितना होगा 1/2 × बेस, इसका बेस कितना है 2 मीटर, इसका बेस है 2 मीटर, इंटू हाइट सेम है 40, हाफ इंटू 2 × 40, ये हो गया 40, ये हो गया 40, डिस्टेंस तो हमें मालूम है, डिस्टेंस हम लोग यहाँ से देख लेंगे। हमें क्या निकालना है, टी ए बी, सबसे पहले हम लोग इस 40 को लेते हैं, 40
इनटू मोमेंट अबाउट ए लेना है हमें, तो 40 ए से कितनी दूरी पर है, एट डिस्टेंस 1.33, ठीक है, प्लस 80। अब 80 80 ए से कितनी दूरी पर है, यहां तक तो 2 है, 2 प्लस 1.33 इक्वल्स टू 3.33, करेक्ट ना। ये देखिए इतना 1.33 है और ये टोटल तो 2 मीटर है, इतना था मालूम है, ये टोटल 2 मीटर है और ये टोटल 4 मीटर है, तो इससे 2 प्लस 1.33 हो गया 8.33, तो ये कितना आ गया 40 × 1.33 प्लस 80 × 3.33 इक्वल्स टू 319.6। आपका टी ए बी का डिस्टेंस अभी मिल गया आपको 319.6। देखिए टी ए बी का डिस्टेंस हमें मालूम है, हमें मालूम है ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, टोटल डिस्टेंस है 6 मीटर, 4 प्लस 2 6, ये मालूम है, ये मालूम है, तो सिंपल हम लोग टेन इनवर्स लगा सकते हैं, टेन इनवर्स इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट कितना है 319.6, अपोजिट है अपना टी ए बी जो 319.6 अपॉन 6, तो 319.6 अपॉन 6 इक्वल्स टू 53.26, 53.26 डिग्री, ये हो गया हमारा टीटा बी। समझ में आया टीटा बी हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब हमें टीटा ए कैलकुलेट करना है, टीटा ए कैलकुलेट करना मतलब, अब मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ए पे और हमें अभी डिस्टेंस चाहिए बी से लेकर टी बी ए, हमें डिस्टेंस चाहिए बी से लेकर यहाँ पर, ये सेम होगा, ये ए बी था ये बी ए हो जाएगा, बाकी ये थ्योरी पार्ट सेम, इज द वर्टिकल डिस्टेंस एट बी, यहाँ पर ए की जगह पे बी एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट ए, ठीक है, ये थ्योरी पार्ट सेम है, बस इस ए की जगह पर बी और इस बी की जगह पर ए, और इसमें हम लोग को आई बी ए फाइंड करना है, आई बी ए मोमेंट ऑफ एम अपॉन ए डायग्राम, थ्योरी सेम, मोमेंट ऑफ एम अपॉन ए डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, बस चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए था, अब हमें लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू बी। वापस इस डायग्राम पे आइए, हमने क्या किया था, कंफ्यूज मत होइए, अभी हमें टी बी ए निकालना है, ए बी हमने मोमेंट अबाउट ए निकाला था, अब हमको मोमेंट अबाउट बी निकालना है। सबसे पहले इस ए टी को लेते हैं, ये ए टी बी से कितनी दूरी पर है, 2.67, 80 × 2.67 प्लस ये 40, 40 बी से कितनी दूरी पर है, 40, 40 बी से कितनी दूरी पर है, टोटल तो ये 4 है हमें मालूम है, ये 4 यहां तक है ना, ये 4 प्लस 0.67, देखिए ये 0.67 है और ये टोटल तो 4 है, तो 4 प्लस 0.67 क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो 4 प्लस 0.67 कितना हो गया, 4.67 इंटू 4.67, इसको सॉल्व कीजिए, सेम है, बस यहां पर हमें मोमेंट अबाउट ए निकाला था, अब हमें यहां पर मोमेंट अबाउट बी निकालना है, 80 × 2.67, 80 × 2.67 प्लस 40 × 4.67 कितना हो गया, ये 400.4। तो जाहिर सी बात है आपकी बार भी सेम है, हम लोग को ये टीटा ए निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग टेन इनवर्स लगाएंगे, टेन इनवर्स टी ए बी अपोजिट अपॉन 6, अपोजिट कितना है 400.4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 400.4 अपॉन 6 करेंगे तो मिल जाएगा अपने वो अपॉन 6
400.4 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो मिलेगा 66.73 डिग्री। ये है आपका थीटा एट ए, स्लोप एट ए है आपका 66.73 और स्लोप एट बी था 53.26। अब तक तो हमने सिर्फ स्लोप ही निकाला, अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। चलिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के पास फटाफट बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसके लिए ध्यान से देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, इस डायग्राम को मैं रिड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर पॉइंट लोड था तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, इस पॉइंट पर ये ए है ये बी है, ठीक है, इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट बना है वो इस टाइप का ट्रायंगल बना है। यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन मैक्स यहाँ पर आएगा, ये है 40/EI। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज चेंज इन स्लोप हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम लोग यहाँ से इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हमें अभी अगर हम इसको क्यू नाम दे दे इस पॉइंट को, चेंज इन स्लोप बिटवीन क्यू एंड बी, क्यू और बी के बीच में का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो ये कैसे हो जाएगा, थीटा बी माइनस थीटा क्यू, ये करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया, ध्यान रखिए एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन क्यू एंड बी, बिटवीन क्यू एंड बी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन क्यू एंड बी, बिटवीन क्यू एंड बी मतलब इतना, बिटवीन क्यू एंड बी ये हो गया क्यू और ये पॉइंट है बी, बिटवीन क्यू एंड बी, एम अपॉन ई आई डायग्राम है ना अपना ये, विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मोमेंट लेना है इस डायग्राम का। अभी इस डायग्राम का हमें ना ही हाइट मालूम है ना ही बेस मालूम है, बेस हमने देखिए यहाँ पर एक्स कंसिडर किया था, मतलब ये बेस है एक्स, ना ही इसका हाइट मालूम है ना ही इसका बेस मालूम है, हमें इसका हाइट और बेस निकालना है, फिर इसका एरिया फाइंड करना है, फिर इसका मोमेंट अबाउट वी लेना है। चलिए इसका आसान है, हम लोग सिमिलेटरी ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से इसको अलग कर दूँ तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर है 40 और यहाँ पर एक और ट्रायंगल है जिसका डिस्टेंस है एक्स, तो यहाँ पर हम लोग सिमिलेटरी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। ये है 4, टोटल डिस्टेंस है 4 ना, यहाँ से हम लोग सिमिलेटरी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, 40/4 इक्वल्स टू, अगर इसको एच नाम दे दे एच अपॉन एक्स, तो यहाँ से हम लोग एच बाहर निकालेंगे तो एच क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू एक्स अपॉन ई आई, क्योंकि ये 40/EI है ना, मोमेंट एम अपॉन ई आई का डायग्राम में करना पड़ता है, तो एच इक्वल्स टू 10x/EI। अब हमें एच मिल गया, इसका हाइट मिल गया, इसका हाइट हमें मिल गया, अब हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा बी, ये देखो ऊपर ये चलते आ रहा है, थीटा बी माइनस थीटा थीटा क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम अपॉन डायग्राम, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है एक्स, अभी तक एक्स हमें मिला नहीं है, बेस है एक्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है एच, एच कितना है 10x/EI। ध्यान दीजिए थीटा क्यू मतलब क्या, थीटा क्यू यहाँ पर आएगा, आपको मालूम होगा जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, हमने सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड के इसमें पढ़ा था,
जहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, एट सी डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, मतलब कि वहां पर स्लोप आपका जीरो आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एट सी स्लोप इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि थीटा क्यू तो जीरो हो गया, बचा क्या थीटा बी। थीटा बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स इंटू टेन एक्स, ये हम लोग बाद में लेते हैं। थीटा बी हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, थीटा बी कितना है 53.26, यहाँ पर वैल्यू रख दो 53.26 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स इंटू टेन इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 53.26 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स इंटू टेन इंटू एक्स। सॉल्व फॉर एक्स कीजिए, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.26, एक्स इक्वल्स टू 3.26, ठीक है। दो डेसिमल पॉइंट लेते हैं उसके बाद हम लोग, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। 3.26 ये x हम लोग h में रख देंगे तो हमें h की परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 10 इंटू 3.26, कितना होता है 3.26 को इंटू 10 कर देंगे, h हमारा हो जाएगा 32.63 अपॉन ei। h क्लियर हो गया आपका। इसका अभी एरिया कैलकुलेट करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करने के बाद इसके cg का मूवमेंट लेना है विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलिए यही पे मैं देता हूं, एच की वैल्यू कितनी है 32.63, एक्स भी हमें मिल गया, एक्स कितना है 3.26, एरिया हम लोग निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 32.63, एरिया यहाँ से मिल जाएगा, एरिया कितना है 1/2 इंटू 3.26 इंटू 32.63 53, एरिया में 3.1869, दो ही डेसिमल लेते हैं तो एरिया इक्वल्स टू 53.18, ठीक है। एरिया हमें मिल गया 53.18। अब क्या करना है, हमें एरिया विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट लेना है बी से। तो सबसे पहले इसका एक्ट होगा सीजी पे, ये जो एरिया है ये इसके सीजी पे एक्ट होगा, मतलब यही है। तो सीजी का डिस्टेंस हमें चाहिए फ्रॉम बी, तो फ्रॉम बी ट्रायंगल का कितना होता है इस साइड से 2/3 l, इस साइड से होता है 2/3 l, 2/3 l मतलब 2/3, और l कितना है, l है हमारा x, x कितना है 3.26, तो इस तो कितना आ जाएगा 2.17, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है 2.17। तो हमें मोमेंट अबाउट बी निकालना था, तो सिंपली इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो 2.17 से एरिया को मल्टीप्लाई कर दो 53.18 इक्वल्स टू 115, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें सॉल्व करने को बोला था। इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें जो कैलकुलेट करने को बोला था वो है 115.57 अपॉन ei, और ये है नेगेटिव में, ठीक है। That's all. यही था इसका complete solution. Thank you for watching. Video पसंद आया तो like कीजिए, नहीं पसंद आया तो dislike कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए. Thank you.